नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और कुछ चुनावी हलचलों के साथ मैं निधि हाजिर हूं लेकर एमपी न्यूज का खास कार्यक्रम न्यूज रूम, जहां सबसे पहले चुनाव प्रचार प्रसार से जुड़ी कुछ अपडेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अब गिनती के ही दिन बचे हैं। 3 नवंबर में मतदान का दिन काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इसीलिए जो प्रचार प्रसार हो रहा है दोनों ही पार्टियां जोर शोर से कर रही हैं। अब तो स्टार प्रचारक भी यहां पहुंचने लगे हैं और अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दूं, बुधवार को सांवेर विधानसभा के धर्मपुरी में बीजेपी ने एक बड़ी जनसभा आयोजित की, जिसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और साथ ही साथ प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने भी जनता के सामने अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, किसान, मातृशक्ति, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के साथ कमलनाथ ने गद्दारी की है। कांग्रेस सरकार में अतिथि विद्वान और शिक्षकों के मामले को लेकर जब सिंधिया जी ने कमलनाथ से मिलना चाहा तो उन्हें जवाब नकारात्मक मिला और यहां तक कि उन्हें सड़क पर उतर जाने के लिए कहा गया। सिंधिया जी ने पूरी सरकार को ही सड़क पर ला दिया। वहीं एक बार फिर जीत का दावा करते हुए उन्होंने अपील भी की कि ये चुनाव अन्नदाता, शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य के लिए है, इसलिए एक एक वोट काफ़ी मायने रखता है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी तुलसी सिलावट को अपना आशीर्वाद दें। उन्होंने कांग्रेस की कथनी और करनी का अंतर आपके सामने रखा है। वहीं कांग्रेस द्वारा बेरोजगारी भत्ता और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस एक झूठ बोलने वाली पार्टी है। वहीं शिवराज ने प्रदेश की जनता की सेवा की है, मध्य प्रदेश का विकास किया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि सांवेर में तुलसी सिलावट को दिया गया एक एक वोट उनकी ताकत और सिंधिया का मान बढ़ाएगा। तो बड़ी जनसभा आयोजित की गई बीजेपी की ओर से, जहां पर स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी से भी एक अलग ही माहौल भाजपा के पक्ष में बनता हुआ नजर आया है। हालांकि उपचुनाव के प्रचार प्रसार के बीच पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक संदेश जारी किया है। ये जो संदेश है सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। एमपी कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से एक मैसेज रिलीज किया गया है। इसका टाइटल है कमलनाथ जी का संदेश। ये संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए दिया गया है। संदेश में कहा गया है कि ये चुनाव सच और झूठ का चुनाव है। मध्य प्रदेश में किस तरह सौदेबाजी से सरकार गिराई गई, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ये चुनाव किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, आपके अपने क्षेत्र के भविष्य का चुनाव है। इसी बीच एक बार फिर नोट के द्वारा शासन खरीदने की बात पर भी जोर दिया गया और इस पूरे मैसेज में एक टैगलाइन हाईलाइट की गई है, जय मध्य प्रदेश, जय जनादेश। इसे इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखा गया है और ये जो पूरा संदेश है कमलनाथ का, ये जो मैसेज रिलीज किया गया है, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा है। वैसे एक और वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इलेक्शन से ही जुड़ा, नेताओं से ही जुड़ा। वैसे जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है तो प्रचार अब सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रह गया है। यहाँ अब राजनेता मतदाताओं को रिझाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे भी अपनाते नजर आ रहे हैं। कोई मैदान में जाकर क्रिकेट खेल रहा है, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है, कोई कहीं रुककर गोलगप्पे खा रहा है तो वो चीज़ भी वायरल हो रही है, और साथ ही साथ कोई खाना पका रहा है वो चीज़ भी चर्चाओं में है। लेकिन अब एक और नई बात सामने आई है, वो आपको बताते हैं। सांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का एक अनोखा अंदाज प्रचार का देखने को मिला। यहां जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे नेता जी करतब करते दिखाई दिए और उनका ये अंदाज जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। रायसेन जिले की सांची विधानसभा पहुंचे प्रभुराम चौधरी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर पहले उनसे वोट की अपील की, वोट मांगे, और इसके बाद वे ग्रामीणों के साथ एक अखाड़े में जा पहुंचे और यहां पर उन्होंने अलग अलग कर्तव्य करके दिखाए। नेताजी के लिए लोगों ने खूब तालियां भी बजाई और ये जो पूरा वीडियो था नेताजी का कर्तव्य करते हुए, ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है। तो साफ तौर पर भाषणबाजी से हटकर अब नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये साबित कर दिया जाए कि वे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच से ही हैं और किसी न किसी तरह से उनका वोट उन्हें हासिल हो जाए। हालांकि अब जनता इस सब के बीच, जनता जनार्दन किसे अपना वोट देती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वैसे 3 नवंबर की तारीख काफ़ी नज़दीक है। आपको बता दें,
3 नवंबर को पूरे दिन मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट एमपी न्यूज आप तक जरूर पहुंचाएगा। तो 3 नवंबर को एमपी न्यूज पर ट्यून इन होना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर भी मतदान से जुड़ी हर एक खबर देख पाएंगे। खैर, न्यूज रूम में आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट आपको एक और बता दूं, कांग्रेस एक बार फिर चुनाव आयोग पहुंची है और भाजपा पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने अब आरोप लगाया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकारी खर्च पर इस उपचुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मांग की गई है कि तत्काल कार्रवाई करते हुए सीएम शिवराज सहित सभी मंत्रियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चुनाव खत्म होने तक रोक लगा दी जाए। कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत में यह भी कहा गया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकारी खर्च का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा प्रचार के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार न सिर्फ विभागीय पोर्टल पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, बल्कि चुनावी भाषणों को भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा रही है। वहीं खुलकर कांग्रेस उम्मीदवारों के विरुद्ध जानकारियां भी सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। अब चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है या क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन न्यूज रूम में अंत में हम बात करेंगे COVID-19 से जुड़ी कुछ अपडेट्स को लेकर। एक बार फिर आंकड़ा 1000 से कम है, इसलिए मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में नए संक्रमित सिर्फ 788 हैं। कुल संक्रमित अब तक मध्य प्रदेश में 1,69,271 हो चुके हैं। कल के दिन में 15 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। कुल मौत का आंकड़ा 2,913 तक पहुंच गया है। वहीं कल के दिन में 1,032 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हॉटस्पॉट इंदौर में भी काफी कम हो चुकी है संख्या, 126 नए संक्रमित पाए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 33,845 हो चुकी है। मौत का आंकड़ा 0, ये अच्छी खबर है कि कल एक भी मरीज की इंदौर शहर में मौत नहीं हुई है कोरोना के चलते। वहीं दूसरी तरफ 68 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी भोपाल 151 नए संक्रमित, कुल संक्रमित 24,107 हो चुके हैं। एक मरीज की मौत हुई है, कुल मौत का आंकड़ा भोपाल शहर का 471 हो चुका है। इसी तरह कल के दिन में ग्वालियर 59, जबलपुर 35, खरगोन 10, सागर में 30 नए मरीज, धार में 11 केसेस सामने आए, बैतूल में 17, रीवा 21, रतलाम में 7, सतना में 16 और विदिशा में 15 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। लेकिन संक्रमण की रफ्तार धीमी जरूर हो गई है। एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।